में त्रिरत्न के बारे में क्या होता है कि देखिए आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए तीन गो मार्ग बताया गया, कितने मार्ग बताए गए, तीन मार्ग बताया गया जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। और ये त्रिरत्न में कहा जाता है कि आपके मतलब इसके मतलब जो जैन धर्म है ना इस त्रिरत्न में ज्यादातर बल दे दी है। और इस त्रिरत्न के तीन भाग है, कितने भाग है जी, तीन भाग है, कौन कौन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है, सम्यक ज्ञान को शंका रहित ज्ञान भी कहा जाता है, जब इसमें क्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है सम्यक दर्शन, यानी तीर्थकर के उद्देश्य को पूर्णता पालन करना है। जो भी जैसे मान लीजिए कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थांकर कौन थे, महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी के हर एक चीजों को मतलब उनके पालन उपदेशों को पालन करना है। सम्यक चरित्र, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि सारे की हाव भाव आपका सेम रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। फिर जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की जो है तीन स्रोत है, कितने स्रोत है, तीन स्रोत है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अनुमान लगाना और तीर्थकर के वचन। फिर आपका है क्या, पहला हम लोग देखेंगे सम्यक ज्ञान, क्या जी, सम्यक ज्ञान। तो सबसे पहली बात कि सम्यक ज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो सही विचार, मतलब एकदम आपके करेक्ट विचार होने चाहिए, ठीक है। और सत्य और असत्य के बीच अंतर को समझना, मतलब क्या सत्य है क्या असत्य है, इसका आप डिफरेंस को समझ पाइए। फिर आपका है क्या, सम्यक ज्ञान के पांच प्रकार का होता है, मतलब ये भी याद रखना है कि सम्यक ज्ञान जो है कितने प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार का, त्रिरत्न में तीन गो मार्ग, ये याद रखिए पहला बात, ठीक है। फिर आपको ये त्रिरत्नों में जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के कितने स्रोत हैं, तीन स्रोत हैं, कौन कौन, एक डायरेक्टली, एक अनुमान से और एक तीर्थकर के वचन। और फिर सम्यक ज्ञान के कितने प्रकार है, तो पांच प्रकार हैं, कौन कौन, पहला है मति ज्ञान, क्या जी, मति ज्ञान, मतलब इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान, जो भी आपके इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान होगा उसे कहा जाएगा मति ज्ञान, क्या जी, मति ज्ञान। दूसरा है श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त ज्ञान को श्रुति ज्ञान कहा जाता है, यानी क्या, श्रुति मतलब सुनना, ठीक है ना, सुनकर आपने कोई कथा कहानी सुना उसे अब कुछ ज्ञान मिल गया उसे कहा जाएगा श्रुति ज्ञान। अवधि ज्ञान या दिव्य ज्ञान, अवधि ज्ञान है क्या जी, दिव्य, तो अवधि का मतलब ही होता है समय, काल, ठीक है, परिस्थिति, कंडीशन, तो एक स्थिति, काल और परिस्थितियों की जानकारी के ज्ञान को ही अवधि ज्ञान या दिव्य ज्ञान कहा जाता है। स्थिति मतलब कंडीशन होता है, क्या आपकी कंडीशन चल रही है, काल का मतलब वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है, ये सब होती है। परिस्थितियां मतलब वही होती है, मतलब आपकी परिस्थितियां आपके पास कैसी है। और क्या देखिए, मन पर्याय, मन पर्याय ज्ञान, क्या है जी, मन पर्याय ज्ञान, तो है कि अन्य व्यक्तियों के बारे में जानकारी या मन की इच्छाओं की जान लेने का जो ज्ञान है, आपने किसी को देखा मन के मतलब आते हुए जान लिया और उसी को बोलेगा मन पर्याय ज्ञान। जैसे अभी तत्काल में जो हाईलाइटर चले हैं बाबा बागेश्वर धाम, वो मतलब क्या होते हैं, मन की बातों को जान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह का नॉलेज है। लेकिन कई लोग उसे अफवाह फैला रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मतलब देखिए कोई ज्यादा कोई मतलब वर्क किसी चीज पर करेगा ना तो उस चीज में वो माहिर हो ही जाएगा, ठीक है, तो उस बंदे ने वर्क किया है वास्तव में स्टार्टिंग। अब है देखिए कि कैवल्य, क्या जी, कैवल्य, तो कैवल्य क्या है कि देश या काल, देश और क्या जी, काल, काल मतलब समय, ठीक है ना, परिस्थितियों की सीमाओं के बाहर उच्चतम पूर्ण ज्ञान, मतलब आपका जो देश है और देश में जो भी काल चल रहे हैं और उस देश के बाहर की जो सीमा है उस देश के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि उसके देश में क्या है क्या नहीं है। तो ये था आपका सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान को आप फिर से एक बार देखेंगे, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सही विचार या सत्य असत्य अंतर को समझना। इसके पांच प्रकार होते हैं, मति ज्ञान, इंद्रियों को प्राप्त करने ज्ञान, श्रुति ज्ञान, सुनकर प्राप्त करना ज्ञान, अवधि ज्ञान मतलब स्थिति या काल की जानकारी होना, और मन पर्याय ज्ञान मतलब अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी या मन की इच्छाओं को जान लेने की जानकारी। कैवल्य मतलब क्या होता है कि देश या अन्य सीमाओं की आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए क्या सम्यक दर्शन, क्या जी, सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होता है, सही विश्वास, क्या जी, सही विश्वास, मतलब आपको लगे कि हाँ वास्तव में सही है तभी आपको विश्वास करने हैं, याद रखना है क्या, सही विश्वास, और क्या है, श्रद्धा एवं दृष्टि से। अब ये सही विश्वास भी होगा वो कैसा होगा, श्रद्धा और दृष्टि, पूरा श्रद्धा से आप विश्वास करेंगे उस चीज में। फिर क्या, सत्य में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है, सत्य में विश्वास करना ही क्या जी, सम्यक दर्शन। अब सवाल पूछ लेंगे, सत्य में विश्वास करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है, क्या, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन के कितने अंग होते हैं, तो आप याद रखने क्या जी, आठ अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं जी, आठ अंग, कौन कौन, संदेहों को दूर करना, जो भी आपको डाउट है उसे याद कीजिए, क्या करिए, एकदम क्लियर रहिए, ठीक है ना, संदेह क्या करना जी, दूर करना। फिर शारीरिक सुखों की इच्छा को समाप्त करना, कोई भी बड़ शारीरिक का कुछ सुख है उसे इच्छा को क्या करना है, त्याग करना। तृष्णा या आसक्ति से बचना, ठीक है, मतलब दूसरे से घृणा उड़ना नहीं करना।
गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना, मतलब गलत राह पर नहीं जाना, ठीक है। चाहे कोई आपको कोई इतना प्रमोट करे फिर भी नहीं जाएगा। झूठे विश्वास और मान्यताओं का अनुसरण नहीं करना, जो भी झूठे विश्वास है उनको आप फॉलो नहीं कीजिए। सत्य पर विश्वास बना रखना, क्या करना जी, सत्य पर क्या करना, विश्वास करना। अगर जो सत्य है, यहाँ पेड़ होती है, ये प्राकृतिक ने बनाया इसे, तो ये सत्य है, इस पर आपको विश्वास करने पड़ेंगे। सभी के लिए समान भाव रखना, सभी के लिए क्या रखना जी, समान भाव रखना। जैन धर्म के सिद्धांतों और मान्यताओं को पूर्णता विश्वास रखना, जैन धर्म के जो भी सिद्धांत और मान्यता है उसमें पूर्णता विश्वास रखना है। और भाई क्या, इसके लिए जैन धर्म के तीन प्रकार के गलत कृत्यों से बचने की बात करता है। और भाई क्या, इन सभी को अगर आपको अच्छा से फॉलो करना है तो आपको तीन कृत्यों से आपको बचना पड़ेगा। कितने पहली बात है, अंधविश्वास से, जो भी अंधविश्वास होता है उसे बचना आपको। जैसे कि मतलब अंधविश्वास में पहले के जमाने में मतलब सती प्रथा था, सती प्रथा नाम सुना जी, ये क्या था, अंधविश्वास था कि जब कोई मतलब मेल डेट कर रहा था तो फीमेल को जिंदा ही जला दिया ज्यादा था, तो ये एक अंधविश्वास है। क्या जी, अंधविश्वास। जादू टोना भी क्या है, अंधविश्वास है, ठीक है। देखिए, पूजा के माध्यम से मोक्ष या पुण्य की इच्छा रखना से, पुण्य की क्या जी, इच्छा रखना, इनसे भी आपको बचना है। आप पूजा सिर्फ करेंगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलती है। कहा जाता है ना कि घर में ही मतलब भगवान है, मतलब अपने माँ बाप की ही सेवा कर लीजिए भाई साहब, ठीक है, उससे अच्छा है। अगर आपके पास ज्यादा है, मतलब माँ बाप की सेवा करते हैं और उसके बाद कोई धाम घूमने जाते हैं तो आपका सफल कहलाएगा, लेकिन आप घर पे सेवा नहीं करते फिर आप धाम घूमते तो कोई काम का नहीं। करना है तो दोनों कीजिए, नहीं तो सिर्फ घर वाला ही कीजिए, ठीक है, उससे अच्छा है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप कहीं धाम जाएंगे तो कम से कम 2-3 हजार तक खर्च हो ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, उसी 2-3 हजार को अपने पेरेंट के लिए कुछ खरीद दीजिए, वो जरूर खुश हो जाएंगे, वास्तव में खुश तो जरूर होंगे थोड़ा ना थोड़ा, तो वही चीज आपको मतलब आगे लेकर जाएगी। है क्या, देखिए, पाखंडी व्यक्तियों के प्रभाव में आना, क्या लिखा है जी, पाखंडी व्यक्तियों के प्रभाव में, जो भी पाखंडी व्यक्ति होते उनसे आपको दूर रहना, उसके प्रभाव में नहीं आना, तो मतलब कम से कम दूर रहना। अगर वो बात कहे भी ना तो मतलब उससे आप मतलब दूरी रहिए। और है क्या, सम्यक चरित्र, तीसरा क्या जी, सम्यक चरित्र। तो सम्यक चरित्र में क्या है कि इसका अर्थ क्या होता है, उचित आचरण और व्यवहार, उचित आचरण क्या जी, व्यवहार, मतलब जो आपका बिहेवियर होना चाहिए वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। सारी संसारी गतिविधियों के समान भाव से देखना, जितने भी संसार है उन सारे को क्या करना, समान भाव से देखना, कोई भी चीज हो, इन तीनों रत्नों को जो पालन करेंगे उन्हें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी या निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये थे जैन धर्म के क्या, त्रि रत्न, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीन क्या जी, पाल लीजिए।